हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट वीडियोज़ में हमने प्रेजिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का या इलेक्ट करने का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी प्रेसिडेंट के साथ, जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देगी। इंडिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, जो कि या तो लोकसभा में जिस पार्टी की मेजॉरिटी है उस पार्टी का लीडर होगा, या कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस होगा, जो कि उसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट से पाया है। बाकी मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, पर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। आगे है क्वालिफिकेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स के बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस ज़रूरी हैं। वह हैं, फर्स्ट है, वह पर्सन इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड है, वह पर्सन राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। थर्ड है, अगर वह राज्यसभा का मेंबर है तो उसने 30 साल की एज कंप्लीट कर ली हो, और अगर वह लोकसभा का मेंबर है तो उसने 25 साल की उम्र कंप्लीट कर ली हो। आगे है प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं। वह हैं, फर्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर बाकी मिनिस्टर्स के नाम रिकमेंड करेगा। प्राइम मिनिस्टर बस उन्हीं लोगों का को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिनके नाम प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे। सेकंड है, प्राइम मिनिस्टर ही देखेंगी कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर को देना है, और वह किसी भी मिनिस्टर को अलॉट किया डिपार्टमेंट चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे और उनके अकॉर्डिंग डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। फोर्थ है, प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोल सकते हैं या प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि उनको डिसमिस कर दे। फिफ्थ है, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स की सभी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट और कंट्रोल करेंगे। आगे है प्राइम मिनिस्टर के पास राइट है प्रेसिडेंट के एडवाइस देने का, कि वह कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करे। वह ऑफिसर्स हैं, फर्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, थर्ड है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, फोर्थ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रेसिडेंट और उसके मेंबर्स, फिफ्थ है इलेक्शन कमिश्नर्स, सिक्स्थ है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर हमारे लोअर हाउस मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर होते हैं और उसके पास बहुत सी पावर्स होती हैं। वह हैं, फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं पार्लियामेंट के सेशंस को समन करने और प्रोग्यू करने के लिए। प्रोग्यू का मतलब है सेशन का एंड करना। सेकंड है, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के सेशंस को
डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। थर्ड है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ और भी पावर्स हैं, वह हैं, फर्स्ट है, वह नेशन की फॉरेन पॉलिसी बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड है, प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्समैन होते हैं। थर्ड है, प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के लीडर भी होते हैं। फोर्थ है, वह प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी हैं। फिफ्थ है, वह आर्मीज का पॉलिटिकल हेड भी होता है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ और टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।